के आटे से बनाए एकदम क्रिस्पी खस्ता करारे नमक पारे जो बहुत बेहतरीन आएगा। दिवाली में अगर आप मीठा खा खा के बोर हो गए हैं तो इस तरीके के नमकीन बनाए रेसिपी देख सकते हैं। इसे बना के आप महीने दिन तक स्टोर भी करके रख दीजिए। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो 2 चम्मच के करीब हम रिफाइंड तेल लेंगे। यहाँ पे आप घी भी ले सकते हैं। अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा डाल देंगे इसके अंदर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन। तीनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ले लेंगे व्हाइट तिल भर के 2 चम्मच बड़े चम्मच से। एक बार स्पेचला से अच्छे से चला लेते हैं इसे। 1 चम्मच के करीब ले लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छा होता है। चीज़ें अच्छे से चटक जाए तो 1 कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे। एकदम मेजरमेंट सही होगा। पानी में हल्का सा उबाल आने लगे तो 1 कटोरी हम गेहूं का आटा ले लेंगे। यहाँ पे 1/2 कटोरी आप मैदा भी ले सकते हैं लेकिन गेहूं का आटा बेस्ट है। साथ ले लेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी जिससे क्रिस्पी बनेगा ज़्यादा। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम लो रहेगा। परफेक्ट होगा। बहुत टेस्टी बनते हैं नमक पारे, एक बार जरूर बनाइएगा। किसी भी त्यौहार हो या ऐसे चाय के साथ आप बना सकते हैं। वैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली पे ये नमकीन आप बना के रख लीजिए, महीने दिन तक आप खाएंगे। 1 चम्मच से कम कुटी हुई काली मिर्च ले लेंगे। लास्ट में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आने लगी और इसे एक बर्तन में हम निकालते हैं ठंडा होने के लिए। ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है। सबसे पहले एक बाउल्स रखेंगे, बाउल्स में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसे और स्पेचला से अच्छे से मिक्स करेंगे। उबला हुआ आलू ले लेंगे और इसे हम कद्दूकस करेंगे। मीडियम वाले से हम कद्दूकस कर लेते हैं इसी में फटाफट। कद्दूकस करने से क्या होगा कि इसके अंदर कोई लम्स गुठली नहीं रहेगी, परफेक्ट होगा, एकदम बेहतरीन। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आलू से परफेक्ट ये लग जाते हैं आटे। तो इस इतने में 2 आलू काफ़ी होते हैं, एकदम परफेक्ट होता है, न गीला होता। साथ ले लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। आप पहले डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी, तो कभी भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर ले, तो ये परफेक्ट रेडी हो गया है। तो इसे बाउल से बाहर निकालते हैं और इसमें 2 भाग हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से ले लेंगे और हाथों से इस तरीके से करके हम अच्छा सा एक लोई बना लेते हैं फटाफट। इसे बेलन के हेल्प से हम बेल लेते हैं। बहुत बारीक नहीं बेलना है, इस बात का ध्यान रख के बेलिएगा। रोटी से थोड़ा मोटा हम रखेंगे, बहुत आसानी से बेल जाते हैं। बनाते हैं ना उसी तरीके से हमें करना है। इसका थिकनेस देखिए इतना परफेक्ट है, इससे हमें पतला नहीं करना है। सबसे पहले एक चाकू लेंगे और चाकू के हेल्प से हम साइड साइड किनारे का निकाल लेंगे और इसे जब दूसरी बार हम बनाएंगे तो यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं। इसे हो जाए तो हम चाकू के हेल्प से इसे इस तरीके से पतले पतले कट कर लेंगे। बहुत बेहतरीन होता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आप बनाइएगा।
से साइड में हम निकाल लेते हैं। और इसे हमें बहुत छोटा नहीं करना है, इतना लंबा करेंगे जिससे जब हम बनाएं तो देखने में भी परफेक्ट हो। देखिए इसका समझ में आ रहा है ना कि इतना रखना है। तो इसे हम फटाफट एक बर्तन में उठा लेते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से हमने तैयार कर लिया, बाकी को भी इसी तरीके से बना लेते हैं। फटाफट हमने सारा बना लिया, चलते हैं गैस पे कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करने। तेल अच्छा सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम रख देंगे। उसके बाद एक करके हम इसके अंदर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक बार में जितने उतने ही डालना है। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमें फ्राई नहीं करना है। एक मिनट हो गया तो इसे हम पलट लेते हैं। एक मिनट हो गया है तो फिर इसे हम सारे को इस तरीके से पलट लेते हैं एक एक करके। फिर छोड़ देंगे एक मिनट। इस तरीके से 3 से 4 बार कर लेते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन हो गया है ना, तो ये रेडी हो गया है। तो इसे हम फटाफट निकालेंगे। तो कोई छन्नी ले लेंगे और इस तरीके से हम इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो भी हो अच्छे से निकल जाए। आप भी बनाएंगे, आपकी भी पहली बार में ही एकदम क्रिस्पी खस्ता करारे बनेंगे। और इस दिवाली जिसे बना के खिलाएंगे एक बार आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाया है, तो आप बताएंगे जब गेहूं के आटे से देखिए क्रिस्पी, तो हैरान हो जाएंगे। इससे दूसरे बैच का भी हम इसी तरीके से फटाफट आप भी बनाइए इस दिवाली पे और सभी का दिल जीत लीजिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा किचन में, जब भी खाना हो नमक पारे तो ये जरूर बनाएं गेहूं के आटे से। गेहूं के आटे से नमक पारा बनाना हुआ बिल्कुल आसान, जो क्रिस्पी खस्ता करार। तो आप बनाइए, इंजॉय करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।